एशियन गेम्स में इंडियन हॉकी टीम ने आज गोल्ड मेडल जीता और दे बीट जापान कन्विंसिंगली 5-1 एंड आई थिंक द लास्ट वन द गोल्ड मेडल इन 2014 सो दे हैव वन द गोल्ड मेडल अगेन इन द एशियन गेम्स. आई रिमेंबर दैट दे जस्ट वन द एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2 months बैक इन ऑगस्ट इन चेन्नई. तो इंडियन हॉकी टीम इज रियली डूइंग वेल बाई विनिंग द फाइनल टुडे. दे हैव ऑल्सो डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द पैरिस ओलंपिक्स. देखिए ये होती है टीम डायरेक्ट ओलंपिक्स में चले गए वो, अब उनको जरूरत ही नहीं है कोई क्वालिफाइंग वगैरह राउंड खेलने की. ठीक है इंडिया को देख लो वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है ना टॉप 20 में है ना टॉप 30 में है. तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए. ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा. इंडिया को देख लो, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को जो है वो हरा दिया हॉकी में और अच्छी दे रहे हैं अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं. वो क्यों दे रहे हैं, उनको पता है कि हम अनफिट नहीं ये करते. ख्याल में हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए. ठीक है हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें. ठीक है और इंडिया अगर आगे जा रहा है बहुत अच्छी बात है, हम जलते नहीं है इंडिया से. वो लोग ईमानदारी के साथ अपना वर्क करते हैं, ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा तावन भी करते हैं. ठीक है फिजिकली भी और उनके साथ वो हर किस्म की जो उनके लवाजमात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें क्रिकेट का सम्मान मिलता है अगर वो. और आपने बोला इंडिया की हम बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की चलें बात कर लें. आपको पता है एशियन गेम में अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया क्रिकेट में, ये क्या अब ये भी हम बात ना करें. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. इंडियन हॉकी टीम ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम पर लिखवा लिया, जहां पर भारत ने जापान को 5-1 से फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. पिछले बार जब एशियन गेम्स हुए थे भारत उसमें फाइनल में था, पर उनको जापान के हाथ हार मिली थी और उनको सिल्वर से ही संतुष्ट करना पड़ा. पर इस बार जिस तरीके से और जिस मार्जिन से भारत ने जापान को हरा दिया पूरी दुनिया चौंक गई है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया भी अब भारतीय हॉकी टीम की तारीफ करने से नहीं रुक पा रही है, जहां पर उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की जमकर तारीफ की और अपने ही टीम को इतना बेइज्जत किया कि पाकिस्तान हॉकी टीम टाइम की चैंपियन टीम मानी जाती थी. पर जिस तरीके से पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने पाकिस्तान हॉकी टीम की हालत करवा दी, उसने भी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान हॉकी की हालत इतनी खराब हो जाएगी, जहां पर अब क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान ने 5-2 से मलेशिया को हरा दिया. पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर यही सेम परफॉर्मेंस फाइनल्स में दिया होता तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल पाती. पर जिस बुरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को रौन दिया, पाकिस्तानी मीडिया अब जमकर अपने ही टीम के ऊपर बरस रहा है. तो क्या भारत की तरक्की देखकर क्या पाकिस्तान हॉकी टीम या पाकिस्तान एथलेटिक्स टीम कभी कुछ सीख पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से भारत ने स्लोली स्लोली अपने मेडल्स टैली को बढ़ाया है, पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए कि वो धीरे धीरे कर अपने मेडल्स टैली और अपने सभी स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दे. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे. धन्यवाद. इंडिया ने जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हॉकी में हरा दिया 5-1 से. और देखे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है, इंडिया हॉकी भी अच्छी कर रहा है, क्रिकेट भी उनकी टीम फाइनल में है, उसके बाद आप दूसरी साइड पे देख लो फुटबॉल में भी वो अच्छा कर रहे हैं, कबड्डी में भी इंडिया ने जो है पाकिस्तान को जो है वो पेल दिया है. इंडिया ने आई थिंक उनके कुछ 61 थे, हमारे कुछ 14 थे और अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं. इंडिया को देख लो वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है ना टॉप 20 में है ना टॉप 30 में है. तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए. ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा. इंडिया को देख लो, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को जो है वो हरा दिया हॉकी में और पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया. ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हरा के पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी साथ क्वालिफाई कर लिया. जिस तरह इंडिया ने हॉकी में जो है वो अपनी बेहतरी लाई है पिछले कुछ सालों से, वो बेहतर से बेहतर से बेहतर बनते आ रहे हैं. वो एशियन गेम में देख लो यार, आई थिंक द लास्ट वन हो गई, मतलब ये तो एक बुरी खबर हो गई. अच्छी खबरें पे आते हैं भाई. एशियन गेम्स में इंडियन हॉकी टीम ने आज गोल्ड मेडल जीता और दे बीट जापान कन्विंसिंगली 5-1
and I think they last won the gold medal in 2014, so they have won the gold medal again in the Asian Games. I remember that they just won the Asian Champions Trophy 2 months back in August in Chennai. So Indian hockey team is really doing well. By winning the final today, they have also directly qualified for the Paris Olympics. देखिए ये होती है टीम डायरेक्ट ओलंपिक्स में चले गए वो, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है कोई क्वालिफाइंग वगैरह राउंड खेलने की, ठीक है। हमारी टीम ने भी आज अल्लाह का शुक्र है कि मलेशिया को जो क्लासिफिकेशन मैच था उसमें 5-2 हराया। लेकिन मेरा सवाल यही आता है कि यार आप मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे थे भाई, अगर आप यही परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं तो जो बड़े मैचेस थे जैसे जो जापान वाला मैच था जिसमें हम जीतते तो हम सेमीफाइनल में आ जाते हैं, तो उस मैच में ऐसा परफॉर्म करने की क्यों नहीं ज़रूरत पेश आई भाई? ये मतलब क्लासिफिकेशन मैच में फिर क्या जरूरत है परफॉर्म करने की जब आप मेडल की दौड़ से ही बाहर हो गए? तो मतलब यू नो आई थिंक एशियन गेम में इंडिया ने 100 गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 100 टोटल मेडल जीत लिए हैं, और गोल्ड मेडल अगर आपको मैं बात बताऊँ तो 22-23 गोल्ड मेडल भी इंडिया जीत चुका है, 22 से ज्यादा इंडिया या 22 उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीत लिए हैं, और टोटल उनके जो मेडल है ना वो 100 हो गए हैं इस एशियन गेम्स 2023 में। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मेहनत कितनी डेडिकेशन के साथ वो लोग आते हैं और छा जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में जा चुकी है, उनकी जो है वो नीरज चोपड़ा देख लो, नीरज चोपड़ा वो ओलंपिक्स में बेहतर करता है, वो एशियन गेम में भी उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया क्या करता है, इंडिया ये करता है कि वो जो है वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह कंसंट्रेट करते हैं, वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह इन्वेस्ट करते हैं। अब नीरज चोपड़ा सुनील छेत्री है, ये वो लोग हैं जिनको विराट कोहली जैसा प्रोटोकॉल मिलता है। लाइक विराट कोहली भी एक क्रिकेटर है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, ये भी स्पोर्ट्समैन है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, लिटरली ना हमारी क्रिकेट ग्रो कर रही है और बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है, बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है। सीरियस ही बात है यार, ये मेरी नजर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, इसे मैं शर्मिंदगी बोलूंगा। वेकअप कॉल पता कब होती है, वेकअप कॉल छोटे मोटे मैचेस में या छोटी मोटी सीरीज में आती है। बड़ा टूर्नामेंट खेलने आए हो, अब एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स है, ये आप क्यों खेलने जाते हो? इससे पहले आप तैयारी करते हो घर बैठ के, या आप जो है वो प्लान करते हो चीजें, फिर इधर आके आप चीजें एग्जीक्यूट करते हो। इधर आपने खोती का सिर एग्जीक्यूट किया, मुझे बताना जरा, अफगानिस्तान ने हमारी जो है वो पीएसएल के टैलेंट को ठोक दिया है, इंडिया देख लो किधर से किधर जा रहा है, और वो डिजर्व भी करते हैं। आज तक कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा कि उन्होंने अनफिट किया किसी को, ठीक है। अच्छा। मुझे ये बताएं 40-50 साल के उनके लड़के खेल रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उनको पता है कि हम अनफिट नहीं ये करते। ख्याल में हमें कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। हम अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। और इंडिया अगर आगे जा रहा है बहुत अच्छी बात है, हम जलते नहीं है इंडिया से। वो लोग ईमानदारी के साथ अपना वर्क करते हैं, ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छा तावन भी करते हैं, ठीक है, फिजिकली भी, और उनके साथ वो हर किस्म की जो उनके लवाजमात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें क्रिकेट का सम्मान मिलता है। अगर वो और आपने बोला इंडिया की हम बात नहीं करना चाहते या बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की चलें बात कर लें। आपको पता है एशियन गेम में अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया क्रिकेट में, ये क्या अब ये भी हम बात ना करें? निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा? वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है, है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल द्रविड़ जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको? प्योरली मैं इंडिया को काउंटर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उनके जो एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, तो मैंने मीडिया चैनल्स के ऊपर तो नहीं देखा कि उनका कोई जवाब दे रहा, तो अपनी इस्तेताद के मुताबिक मैं उनका जवाब